मिस्टर भरद्वाज, अब आप अपने अगले गवाह को बुलवा लीजिए और उनसे कहिएगा कि पसीना पोंछ कर आए। मंत्री चरणदास हाजिर हों। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। देखिए, जो भी पूछना है जल्दी पूछिए, मुझे मीटिंग में जाना है। मंत्री जी, आपने सौरत को, मेरा मतलब है श्रीमती आरती वर्मा को, पहले कभी देखा है? यह कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप। मैं दिन भर में न जाने कितनी औरतों से मिलता हूं, उनकी मदद करता हूं, अब सबकी शक्लें मुझे कैसे याद रहेंगी? हाँ, एक दो हो तो याद रखे, सैकड़ों लड़कियों को कहां तक याद रखेगा? अरे भारती देवी के सवालों का जूता पड़ेगा तो सब याद आ जाएंगी। ये भारती देवी, जानता हूं जानता हूं। याद कीजिए, एक दिन एक औरत आपके घर में अपनी बच्ची की लाश हाथ में लेकर आपसे मदद मांगने आई थी। हाँ याद आया, ये मेरे पास आकर कहने लगी मेरी बच्ची भूख से तड़प रही थी, मुझसे देखा न गया और मैंने उसको गला घोंटकर मार डाला। अब मेरे पीछे पुलिस पड़ी, मुझे बचा लो। फिर आपने क्या किया? मैं एक मंत्री हूं, एक खूनी की मदद कैसे करता। मैंने उसे कहा, तूने मां होकर अपनी बेटी का गला घोंट दिया, तू मां नहीं है, तू एक डायन है, डायन, चली जाओ। और मैंने इसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। ठीक किया ना? बहुत अच्छा किया, अब आप जा सकते हैं। थैंक्स। एक मिनट योर ऑनर, मैं भी इनसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। यस प्रोसीड। आप एक मंत्री है ना? क्यों, आपको कोई शक है? नहीं नहीं, शक क्या, इसलिए पूछ रही हूं कि मंत्री एक बहुत बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है ना? बिल्कुल होता है, और मैं भी हूं। हाँ हाँ, आपके पास एक औरत आई थी और आपके कहने के मुताबिक उसने अपनी बेटी का खून कर दिया था और पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, फिर भी आपने उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, भगा दिया ना? जी हाँ बिल्कुल भगा दिया। क्या एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते आपका यह फर्ज नहीं था कि एक भागी हुई खूनी को पुलिस के हवाले कर देते? चुप क्यों है, जवाब दीजिए। इसमें जवाब देने की क्या बात है, समझने की बात यह है कि जब एक मामूली पुलिस अफसर किसी लड़की को माफ कर सकता है तो मैं तो एक मंत्री हूं, कुछ भी कर सकता हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या मतलब? यही कि इस मजबूर औरत की मजबूरी का फायदा उठाकर इसे आपने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा, इसीलिए इसकी बच्ची को दफनाने के लिए आपने अपने आदमी को इसके साथ भेजा और उसके बाद इसे अपने ही गेस्ट हाउस में ठहराया। ये झूठ है, न इसे मैंने अपने गेस्ट हाउस में ठहराया था, न इसकी बच्ची को दफनाने के लिए आदमी भेजा था। ये झूठ कह रहे हैं जज साहब, इन्होंने मेरी बेटी की लाश को मिट्टी में दबाने के लिए अपने संतरी को मेरे साथ शमशान भेजा था। और ये साबित करने के लिए कि मंत्री का आदमी आरती के साथ शमशान गया था, मैं शमशान के चौकीदार छज्जूराम को गवाही के लिए यहाँ बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। बहुत अच्छे, इन पॉलिटिशियंस का गला इसी तरह पकड़ना चाहिए, वरना थोड़ी सी भी गफलत हुई कि बस केस ही उल्टा कर देंगे, कहने लगेंगे कि गांधी जी ने गोडसे का खून किया था। करेक्ट करेक्ट, ये गोडसे कौन है? तुमने इनको कभी देखा है? जी हाँ, एक बच्ची की लाश को दफनाने के लिए शमशान में आई थी। और साथ में कौन था? वो साहब थे जो पीछे खड़े हैं, पहले उन्होंने आके खड्डा खोदने के लिए पैसे दिए और रसीद लिए बिना ही चले गए। ये रही उसकी रसीद। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो साहब इनको लेकर आए, इनकी गोद में एक मुर्दा बच्ची थी, उसको दफनाने के बाद वो साहब इनको लेकर वापस चले गए। अच्छा, तुम जा सकते हो। जी योर ऑनर, छज्जूराम के बयान से ये साफ जाहिर है कि मंत्री का आदमी आरती के साथ उसकी बच्ची को दफनाने के लिए शमशान गया था और दफनाने के बाद आरती को लेकर मंत्री के गेस्ट हाउस पहुंच गया। ये जानते हुए भी कि इसके हाथ में एक बच्ची की लाश थी, मंत्री जी ने ना तो बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम करवाया और ना ही इसे पुलिस के हवाले किया। इसकी एक ही वजह हो सकती है जो साफ है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, चरणदास जी ने इसकी लाचारी का फायदा उठाकर इसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा और इसीलिए इसे अपने गेस्ट हाउस में ठहराया, और उस मददगार ने इसकी ऐसी मदद की कि फिर कभी ये किसी से मदद न मांग सके, दुनिया के सामने मुंह दिखाने के काबिल न रहे। इतना कुछ करने के बाद जब मंत्री जी को पता चला कि आरती वर्मा का केस मैं लड़ने वाली हूं, तो उन्होंने पूरे मुकदमे को उल्टा कर दिया और सारा आरोप इसके सर थोप दिया। I object, Your Honor. ये सरासर झूठ और बेबुनियाद इल्जाम है, मंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं किया तो ये सारे हिंदुस्तान में सिर्फ उनका ही नाम क्यों लेती? दुनिया में ऐसी कौन सी औरत है जो भरी अदालत में खड़ी होकर
अपनी बेइज्जती की कहानी सुनाएगी, उसकी चर्चा करेगी। ये फिर भी यहां आकर इसलिए खड़ी हो गई ताकि सारी दुनिया को पता चले कि समाज सेवक के भेष में कितना खतरनाक जानवर समाज में घूम रहा है। मेरी अदालत से यही दरख्वास्त है कि मंत्री चरणदास जैसे बहुरूपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और आरती वर्मा को बाइज्जत रिहा कर दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। द कोर्ट इज एडजर्न्ड, फैसला कल सुनाया जाएगा। भारती देवी के इतना कुछ साबित करने के बाद भी जज साहब ने कह दिया फैसला कल सुनाएंगे। अरे बरखुरदार, कुछ फैसले दिन की रोशनी में होते हैं, कुछ रात के अंधेरे में। जब शराब चलती है, जश्न होते हैं, नोट उड़ते हैं। चलो।